अस्सलाम वालेकुम गाइस, एक्सरसाइज 10.4 क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 4, उसका पार्ट नंबर है 2। सो प्रूफफुल इक्वेशंस हैं, दोनों साइड्स को हमें इक्वल लेके आना है। क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी लिख दिया है, इसकी लेफ्ट हैंड साइड की हेल्प से इसको सॉल्व करेंगे, वो भी मैंने ऑलरेडी लिख दी है, बट इन द फॉर्म ऑफ डिग्रीज। यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो क्वेश्चन में हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है वो इन द फॉर्म ऑफ किसमें गिवन है, रेडियंस में गिवन है, लेकिन मैंने इसको यहाँ पे किसकी फॉर्म में लिखा है, डिग्रीज की फॉर्म में, जस्ट इसलिए ताकि जब हम इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे, इनपे जो फॉर्मुलाज लगाएंगे, सिंप्लीफिकेशन करेंगे, तो एक जंक सा क्रिएट ना हो। ठीक है, इससे बचने के लिए, अपनी आसानी के लिए मैंने उनको डिग्रीज में लिख दिया है। जब भी आपके पास कोई क्वेश्चन इन द फॉर्म ऑफ रेडियंस आए, सबसे पहला काम करो उनको डिग्रीज में ले आओ, क्योंकि डिग्रीज में एक रीडेबल हमारे पास एंगल्स भी होते हैं, हमें पता होता है हाँ ये 30 है, 60 है, 40 है, 45 है, 90 है। सो इसीलिए अपनी आसानी के लिए पहले इसको कन्वर्ट कर लिया करो, ठीक है, देन इसको आगे सॉल्व किया करो। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, दोनों ही साइन हैं, और किसकी फॉर्म में पड़े हैं, इनकी फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट पड़े हुए हैं। तो जो फॉर्मूला इसमें यूज होगा मैं वो ऑलरेडी यहाँ पे पहले लिख देता हूं, देन आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। तो -2 साइन अल्फा साइन बीटा, जब भी साइन और साइन प्रोडक्ट की फॉर्म में आएंगे, इट मीन हमें -2 की जरूरत पड़ेगी यहाँ पे, तो यहाँ पे भी हमें -2 की जरूरत पड़ेगी, उसके लिए हम मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय -2। So, यहाँ पे हम करेंगे -2 से मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी, तो नीचे वाला -2 उसको हमने बाहर ही रखना है, जो ऊपर वाला था मैं उसको अंदर लिख रहा हूँ इसके साथ, बिकॉज फॉर्मूले को कंप्लीट करने के लिए हमें -2 की जरूरत थी, वो हमने अंदर यहाँ पे इसके साथ लिख लिया। आ जाएगा -2 साइन 45 डिग्री माइनस थीटा इंटू साइन 45 डिग्री प्लस थीटा, ये आगे ब्रैकेट क्लोज। अब नेक्स्ट आगे चलते हैं, सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, देन इस क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो हमारे पास -2 साइन अल्फा साइन बीटा, ये किसके इक्वल होगा, हमारे पास कॉस अल्फा प्लस बीटा माइनस कॉस अल्फा माइनस बीटा, यही फॉर्मूला आप इधर अप्लाई करेंगे। तो 45 डिग्री माइनस थीटा को मैं कह देता हूं अल्फा, 45 डिग्री प्लस थीटा को मैं कह देता हूं बीटा। सो फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं तो ये -1/2 बाय एज इट इज रहेगा, स्क्वायर ब्रैकेट्स का आगे फर्दर यूज करूंगा। तो हमारे पास क्या रहेगा, कॉस अल्फा हमारे पास क्या है 45 डिग्री माइनस थीटा प्लस बीटा, बीटा की जगह हमारे पास क्या रहेगा 45 डिग्री प्लस थीटा, ये आगे ब्रैकेट्स क्लोज। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, माइनस कॉस अल्फा हमारे पास क्या है 45 डिग्री माइनस थीटा माइनस 45 डिग्री प्लस थीटा, ब्रैकेट क्लोज एंड स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। सो नेक्स्ट आगे चलते हैं, ब्रैकेट्स यहां से, सो नेक्स्ट आगे इनकी जो अंदर एंगल्स हैं उनको सॉल्व कर लेते हैं, और ये -1/2 एज इट इज रहेगा बाहर। तो हमारे पास आ जाएगा कॉस, इसको ब्रैकेट सबसे पहले ओपन कर लो, देन इसको आगे सॉल्व करेंगे, 45 डिग्री माइनस थीटा प्लस 45 डिग्री प्लस थीटा माइनस कॉस 45 डिग्री माइनस थीटा माइनस 45 डिग्री एंड माइनस थीटा, ब्रैकेट्स के बाहर नेगेटिव साइन है तो अंदर जब अप्लाई होगा तो ये आपके अंदर जो भी साइन है वो उल्ट हो जाएंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव था तो नेगेटिव नेगेटिव आ जाएगा। नेक्स्ट इसको सॉल्व कर लेते हैं, जो भी चीज कैंसिल आउट हो रही है उनको कैंसिल आउट कर दो, यहाँ थीटा थीटा से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 45 डिग्री 45 डिग्री से कैंसिल आउट हो जाएगा। सो बाकी जो रिमेनिंग चीज है वो देख लेते हैं, वो आ जाएगा हमारे पास कॉस 45 हमारे पास क्या हो जाएगा 90 डिग्री माइनस कॉस, यहाँ थीटा है दो हमारे पास, थीटा है नेगेटिव साइन के साथ है, होंगे एड लेकिन नेगेटिव साइन साथ आएगा, तो यह आ जाएगा -2 थीटा और ब्रैकेट क्लोज। फर्दर इसको ऊपर कंटिन्यू करता हूं मैं, सो यहां पे अब हम देख रहे हैं कि हमारे पास क्या आ गया है, कॉस 90, कॉस 90 हमारे पास किसके इक्वल होता है, जीरो के इक्वल होगा। सो -1/2 अंदर आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास जीरो, और यहाँ पे आप अपने देखना है कि नेगेटिव एंगल आ गया है, लेकिन बाय ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारे पास क्या है, कॉस, कॉस और इसका जो रेसिप्रोकल है सीकेंट, अगर वो आ रहे हैं उनके साथ कोई नेगेटिव एंगल आ रहा है तो वो नेगेटिव को पॉजिटिव कर देते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा -cos 2 थीटा। फर्दर इसको जो रिमेनिंग चीज रहेगी वो लिख देते हैं -1/2 और अंदर आ जाएगा -cos 2 थीटा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये आ जाएगा 1/2 cos 2 थीटा, यही हमारे पास क्या थी राइट हैंड साइड थी जो कि हमें प्रूव करनी थी। सो इट्स प्रूव्ड। सो वंस अगेन कहीं पे भी किसी स्टेप के अंदर कोई प्रॉब्लम है, फॉर्मूला जो हमने अप्लाई किया है उस पर कोई इश्यू आ रहा है, किसी भी स्टेप, छोटी सी छोटी कैलकुलेशन हो या कोई बेसिक से बेसिक कैलकुलेशन में भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो प्लीज विदाउट एनी हेजिटेशन, अभी टाइम है, आप लोग अपनी चीजों बेसिक कॉन्सेप्ट्स है यहाँ पे क्लियर कर सकते हो, ठीक है।
जो भी चीजें हैं, छोटी से छोटी चीजें हैं, जो भी है क्लियर करते जाओ और बस इंशाल्लाह ताला इस तरह आगे मूव करेंगे, ठीक है। बिकॉज आप लोग मेरे सामने नहीं बैठे हुए, इसीलिए हर वीडियो के एंड में मैं बार बार पूछता रहता हूँ, जो भी आपकी चीजें हैं वो क्लियर करो, कहीं पे कोई डाउट है वो क्लियर करो। इंशाल्लाह ताला फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 जो इसका लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 3 वो मैं कवर करूंगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, अपना बहुत सारा ख्याल रखो, अल्लाह हाफिज़।